में क्या अपडेट है मतदान को लेकर के? देखिए, लगभग जो 11 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था, लगभग 21% से ज्यादा मतदान हो चुका था। अब 1 बजे के बाद नया जो आएगा डाटा कि कितना परसेंट मतदान हुआ है, निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे आपको कि जो 9 बजे तक की अगर जो था उसमें लगभग 9% था, 8.93% था मतदान का जो ग्राफ था। और अभी जो 2 घंटे बाद उसके 11 बजे तक का जो आया है ग्राफ, वो 21 से अबव आया है। तो आप देख सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और 11 बजे के बाद का समय जो था, जो मैं अभी नगर निगम के आदर्श बूथ पे खड़ा हूँ, पीछे हमारे देखिए आपको दिख रहा होगा कि नगर निगम का आदर्श बूथ है यहाँ पे बनारस पे, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे काफी भीड़ देखने को मिल रही है। समझ सकते हैं कि जो मतदान करने लोग काफी संख्या में अब आ रहे हैं और जोश है उनके अंदर। कई ऐसे भी मतदाता है जो पहली बार वोट करने आ रहे हैं। तो मुद्दा सभी का वही है, महंगाई, बेरोजगारी और कहीं कहीं राष्ट्रवाद का मुद्दा भी चल रहा है। तो आप इस तरीके समझ सकते हैं, मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। हालांकि कुछ समय पूर्व, अभी कुछ देर पहले, एक मतदान केंद्र पे कुछ अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी। नीलकंठ तिवारी जो मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, उनके और उनके समर्थकों द्वारा पुलिस के संग कुछ झड़प की जो घटनाएं आई थी, प्रशासन ने संज्ञान लिया। मामला फिलहाल जो है शांत हो गया है मान मनोवल के बाद से, और अभी सुचारू रूप से हर जगह मतदान चल रहा है। जी आयुष, बिल्कुल। लेकिन मतदाताओं में उत्साह क्या दिख रहा है आपको वहां पे? क्योंकि अभी भी हम लोग अगर देखें 11 बजे तक का भी जो वोटिंग परसेंटेज आया था, वो भी जो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। अभी क्या लोग निकल रहे हैं? आपकी क्यू आपको दिख रही है वहां पे, लाइनें या कतारें मतदाताओं की दिख रही हैं कि हाँ? क्योंकि अपील लगातार हो रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जो भी बड़े नेता हैं सबकी तरफ से कहा जा रहा है, और लगातार मतदान को लेकर के, उसको बढ़ाने को लेकर के प्रशासन भी लगा हुआ है। क्या वो दिख रहा है कि मतदाता निकल रहे हैं, या उदासीनता अभी भी नजर आ रही है वहां पे, पंकज? देखिए आयुष, बताएंगे, अभी बहुत मतदाता निकल रहे हैं, काफी संख्या में निकल रहे हैं। अभी देखिए अपने सर्विस कहेंगे दिखाएं आपको, देखिए काफी संख्या में निकल रहे हैं, भारी पुलिस बल भी लगा हुआ है, लोग गेट पे भी खड़े हैं काफी संख्या में। साथ में देखिए, अब सेल्फी पॉइंट जो बना हुआ है वहां पे जो है, मतदान करने के बाद आके लोग सेल्फी भी अपनी ले रहे हैं, कई सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं। तो मतदान तो काफी तेजी आई है, काफी संख्या में मतदाता अब निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। क्योंकि बनारस का नगर निगम सेंटर पे हम हैं, आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है 390 वाराणसी कंटोनमेंट आदर्श मतदान केंद्र। सौरभ श्रीवास्तव फिलहाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक भी हैं, वही लड़ रहे हैं। और मेन मुकाबला इनका राजेश मिश्रा, कांग्रेस के जो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके उनका मुख्य मुकाबला है। तो यहाँ पे तो मतदान हो रहा है। जैसे चलिए पंकज, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे लगातार अपडेट लेते रहेंगे और एक बार चर्चा में वापस लौटते हैं। दोनों मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, 17 से 22 तक आते आते क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं, या फिर चैलेंजेस हैं, या फिर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, महत्वपूर्ण जरूर हो सकता है, चैलेंजेस और चुनौतियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है कि जैसा दावा हो रहा है कि एक पार्टी दूसरे का सुपड़ा साफ करती हुई या फिर इस तरह के दावे करती हुई दिख रही है? देखिए, राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं वो मुखरित हैं, खासकर भाजपा गठबंधन और सपा के गठबंधन के। बसपा के लोग हमेशा की तरह ही संयमित हैं, बहुत उनकी बस्तियों में शोर नहीं है ना, उनके लोग बहुत शोर कर रहे हैं। और जो समर्थक वर्ग एक और भी है जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, जो सपा गठबंधन को जीता रहे हैं, कुछ लोग भाजपा जीता रहे हैं, लेकिन मतदाता जो है, आम मतदाता कहा जाए तो आम मतदाता बहुत खामोश से, बहुत शांति से वोट दे रहा है। कहीं पर भी कोई इस तरह की बात नहीं है कि कोई ये रूप समझ सके मतदाता वोट किसको दे रहा है। लेकिन जो नाराजगी का भाव सत्ता के पक्ष कहा जाता है कि सत्ता के खिलाफ जो नाराजगी का भाव है वो भी नहीं दिख रहा है, और ना ही बहुत सपोर्ट का दिख रहा है कि एक उत्साह भी हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर उत्साह होता है तो पोलिंग के दिन लोग और ज्यादा निकल करके वोट देते हैं, और यही बात कही जाती है नाराजगी की। बहुत नाराजगी होती है तो जहां पर विपक्ष होता है, अगर सत्ता से नाराजगी है तो जो विपक्ष होता है, विपक्ष का जो जातीय खेमा या आधार वोट जो माना जाता है, वो वोट देने निकलता है। लेकिन बहुत ही जमीनी स्तर पर, खासकर अपने जनपद बाराबंकी में, मैंने विधानसभा में पोलिंग वाइज भी, जातिगत पोलिंग वाइज भी देखा किया है, तो मुझे आश्चर्यजनक रूप से लगा है कि कहीं भी किसी भी वर्ग का ऐसा नहीं हुआ है कि कोई वर्ग बहुत ज्यादा निकला है या कोई वर्ग नहीं निकला है। सब बस
एज इट इज पूरा चुनाव 2017 के ही ट्रेंड में हो रहा है और कोई भी मतलब कोई इसको भाप नहीं पा रहा, बस चुनाव हो रहा है, मुद्दों पर हो रहा है, मुद्दे अपने अपने सबके हैं। अब इस रिजल्ट से मालूम चलेगा कि कौन से मुद्दे ज्यादा प्रभावित हुए। तीसरे चौथे चरण के बाद जो टिप्पणियां हुई है सपा गठबंधन के तरफ से भगवा पर, उसका विपरीत असर मुझे लगता है कि सपा गठबंधन को हो सकता है, इनके बयानबाजी का, इनके गठबंधन के लोगों का। बाकी चुनाव पूरी पूरा चुनाव का रूप कोई समझ नहीं पा रहा था, बस अपने अपने दावे थे, जिसको जो व्यक्तिगत रूप से मैंने भी किसी ना किसी को वोट किया है, तो जिसको वोट व्यक्त करता है चाहता है वो जीते, तो वो अपने बातचीत में भाव में बहुत ध्यान देंगे तो आप सामने भी आ जाता है, लेकिन आम मतदाता किसी के सामने बता नहीं रहा। बिल्कुल दिलीप जी, क्या इसीलिए आंकलन बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक तो मुखर होकर के जिनको कहना होता है ये कुछ तो सिलेक्टिव होते हैं, हर तरफ हमको दिखते हैं दोनों ही पार्टियों में, लेकिन क्योंकि कोई लहर या कोई वेव या उस तरीके की कोई चीज दिख नहीं रही है, इस वजह से भी आंकलन करना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है और ना ही हमको वोटिंग परसेंटेज उस तरीके से बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या इसलिए आंकलन मुश्किल हो पा रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार दरअसल स्थिति है क्या 22 के अंदर? ठीक कह रहे हैं भाई जी, आकलन इससे नहीं हो पा रहा है कि लहर तो नहीं है, जैसे 2014 में मोदी लहर चली थी, अब की बार मोदी सरकार बच्चे बच्चे की जबान पे, जो वोटर नहीं था, छोटा बच्चा था 2 साल का था, उसकी जबान पे भी यही स्लोगन चढ़ा हुआ था, वही रंग 2017 में दिखा था, उसके बाद 19 में भी लहर चली थी, लेकिन 22 में लहर जैसी कोई चीज नहीं कि हर आदमी एक ही रंग में रंगा हुआ है और माहौल से पता चल रहा है कि यहाँ भाजपा की सरकार बन रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन अगर आप ट्रेंड पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आ रही है। अगर आप थोड़े दिन पहले पंचायत चुनाव पर जाएंगे तो पंचायत चुनाव में बहुतायत सीटें समाजवादी पार्टी की आएंगी, तो इससे ये आकलन लगाया जा सकता है कि जो रूरल एरिया है वहां पर समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, और अगर रूरल एरिया में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है तो बहुत हद तक उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी सरकार बना चली जाए। बाकी जो आप पूर्वांचल का जो छठे फेज का चुनाव था, उसके पहले जो पांचवें फेज का चुनाव था, उसमें बहुतायत चीजें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में गई थी। मुद्दों की जो आप बात कर रहे थे, मुद्दे पर चुनाव होता है जो जी कह रहे थे, लेकिन मुद्दे क्या होते हैं, यह अलग बात है, जो असल सामाजिक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चुनाव नहीं होता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा। लेकिन मेरा अपना एक अलग व्यू है आयुष जी, हो सकता है बहुत से लोग मेरे व्यू से सहमत ना हों, कि अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा इस देश में है ही, इस देश में एक्चुअल मुद्दा है अनएम्प्लॉयबिलिटी का, और वो जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है वो अनएम्प्लॉयबिलिटी बाय प्रोडक्ट ऑफ बैड एजुकेशन, तो असली मुद्दा हमारे एजुकेशन का है। अगर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, चलिए दिलीप जी, थोड़ा इस ट्रेंड पे मैं और बात करूंगा, अभी एक बड़ी जानकारी मैं उधर रुक कर लेता हूं, बड़ी और अहम खबर के लिए सीधे रुक करते हैं, ब्रेकिंग सेंटर का वर्षा मौजूद है। वर्षा, क्या जानकारी है? जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर ईवीएम मशीन से खिलवाड़ किया गया है, बूथ संख्या 30 पर ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया है, अराजक तत्वों ने ईवीएम पर फेविकॉल डाला है, अपना दल के कप प्लेट वाले बटन को खराब किया गया है, सूचना पर अधिकारी भी पहुंचे हैं। मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र के चकताला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ईवीएम मशीन के साथ खिलवाड़ की गई है। आपको बता दूं ये बड़ी खबर जौनपुर से आ रही है, जहां पर बूथ संख्या 30 पर ईवीएम के साथ खिलवाड़ किया गया है, अराजक तत्वों ने ईवीएम पर फेविकॉल डाला है, जिससे अपना। चलिए वर्षा, राजन जुड़ गए हमारे साथ, मैं उनका रुख कर लेता हूं। राजन, क्या जानकारी है, अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया गया है, अपना दल के कैंडिडेट का जो बटन है उस पर फेविकॉल लगा दिया गया, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, ये मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र का चकटाला गांव है, जहाँ पे बूथ संख्या 30 है, जिसमें अराजक तत्व वोट देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने जो है फिर भी कुल जो है वो जो है उसने डाल दिया है, जो कपरेट अपना दल इसका जो चुनाव चिन्ह है कपरेट उसके बटन के ऊपर, जिसके बाद वो बटन जो है काम करना बंद कर दिया है। तो आलफान जैसे इसकी सूचना मिली है, पीठासीन अधिकारी ने पूरे मामले की जानकारी उच्चाधिकारी को दी है, और मौके पर पहुंच के उच्चाधिकारी जो है वो ईवीएम मशीन को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं, मतदान कार्य जो है वो बाधित है अभी। जी शुक्रिया राजन इस बातचीत जानकारी के लिए। तो मड़ियाहू विधानसभा क्षेत्र के चकताला गांव में आप देखेंगे किस तरह से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, अपना दल का प्रत्याशी है यानी कि उनका जो चुनाव निशान है उसके बटन को फ्रीज कर दिया गया है, और वो भी फेविकोल डाल करके उसको चिपका दिया गया, और इस वजह से मतदान बाधित हुआ है। हालांकि अभी मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं और इसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं, दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, इसको किस तरह से, और आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इसको और बताएं
क्योंकि ये जो दोनों ही स्थितियां हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि अपनी बातों को लोग अपनी मुखर होकर के रख रहे हैं, लेकिन एक जो साइलेंट वोटर्स को लेकर के हर बार एक ऊपापोह की स्थिति होती है, क्या आपको लग रहा है कि इस बार वो भी कुछ अपना एक बड़ा रोल प्ले करने वाला है, या जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है जिस तरह से होते आए चुनाव उसी तरह का है, कुछ निर्णायक तौर पर आपको लग रहा है कि कुछ वोटर ऐसा है जो वोकल नहीं है और इसलिए हम लोग इसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं? एक घटना आपको बता रहा हूं, भी चुनाव के बाद की ही, बाराबंकी में मैं, मेरे एक मित्र हैं, मैं उनके घर गया और चुनाव के बाद यहां जब वोट पड़ गया बातचीत में, तो उनके घर में उनकी वाइफ ने जो है प्रशंसा शुरू कर दी मोदी जी की और योगी जी की, जबकि वो जो मैं जिनके घर गया था वो समाजवादी पार्टी के बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, अपनी पत्नी से कहा कि तुम काफी रखो और यहां से जाओ। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इन लोगों ने, मतलब कि मोदी और योगी ने, हमारे घर में भी फूट डाल दी है। और सबसे मजे की बात मैं बताऊं कि वो मुस्लिम है। अब अगर एक दो या ऐसे ऐसे अनुभवों से हम सबको अगर आकलन करें कि सारे मुस्लिमों के यहां ये ट्रेंड गया होगा, तब तो बड़ी गजब की स्थिति हो जाएगी। लेकिन इसीलिए मैं बिल्कुल इस चुनाव के विश्लेषण पर, चुनावी नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, मैं बिल्कुल मौन साधा हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। उन्हीं के घर में उनकी बेटी ने कहा कि, मतलब चूंकि आना जाना ज्यादा है बातचीत, तो वो उसने खुद हिजाब के पास लगा कि हम लोग तो, मतलब हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हम लोग तो स्कूल भी जाते हैं, सेंट एंथोनी यहाँ का स्कूल, उससे पढ़ते हैं, हम लोग तो कभी हिजाब लगा, ये कौन सा नया ड्रामा पापा शुरू हो गया है। तो ये इस तरह की बातें घर घर में शुरू है, हर बिरादरी के जाति में। तो अब ये जो चर्चाएं शुरू हुए घर घर में, पहले चर्चा होती थी राजनीतिक लोगों के, कार्यकर्ताओं के, वो फैसले करते थे, चौधराहट मठाधीशी करते थे, नेतृत्व करते थे। अब लोकतंत्र हमारा स्वस्थ और समृद्ध होते हुए घर घर में हर व्यक्ति, महिला पुरुष लड़के जिनका वोट नहीं, वो भी एक एक मुद्दे पर आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लोग अपने मन से वोट दे रहे हैं, इसलिए कोई भाप नहीं पा रहा। नहीं पूरे, तो पहले तो पूरा पूरा मोहल्ला एक साथ वोट करता था, इस मोहल्ले में एक साथ इनकी हवा जा रही, इसीलिए हवा समझ में नहीं आ रही लोगों। दिलीप जी, आपका भी विश्लेषण रह गया था, 17 के ट्रेंड से आप इसकी तुलना कर रहे थे, और दूसरा जो अभी अरविंद जी ने बात कही, क्या ये भी फैक्टर्स हैं, लग रहा है काम कर रहे हैं? नहीं, ये फैक्टर बिल्कुल है। ये मैंने इस बात को मैंने कई बार डिबेट में कहा है कि समाजवादी पार्टी इस गलतफहमी में बैठी है कि जो मुस्लिम समाज है वो पूरा पोलराइज होकर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है और थोड़े बहुत लोग कांग्रेस और बाकी दलों जा रहे हैं, जबकि मेरा अपना मानना यह है कि मुस्लिमों का वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी जा रहा है। या कम्युनिटी ये भारतीय जनता पार्टी को फेवर करती है, बहुत सिया जो है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में रहते हैं, सियाओं के कई सारे नेता भी हैं जो प्रवक्ता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे पदों पे भी बैठे हुए हैं। लेकिन इनके अलावा जो सुन्नी समाज है, इनका सुन्नी समाज में भी जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग में बहुत सारे लोग भाजपा को वोट करेंगे, क्योंकि उसका कारण है, एक तो जो तीन तलाक वाला मामला हुआ है, वो तीन तलाक का मामला महिलाओं के बहुत फेवर में, और ये सर्वविदित है कि मुसलमानों में थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड रहना पसंद करते हैं वो लोग, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं आजादी मिली है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में बड़ा फर्क है, बाकी पार्टियां करती कम है कहती ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर ज्यादा रही है और कह उल्टा रही है, इसलिए मुसलमानों को बेनिफिट देने में कहीं कोई कटौती नहीं करती। बिल्कुल, बिल्कुल। है वो जो ओवरऑल बेनिफिट बढ़ रहा है वो तो मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन जो इनके बेनिफिट पहले से इनकी माइनॉरिटी के नाम पर मिल रहे थे, इनकी कम्युनिटी के नाम पे मिल रहे थे, मदरसों के नाम पे मिल रहे थे, चाहे। चलिए दिलीप जी, आपको मैं रोकूंगा, इस बीच एक और बड़ी जानकारी, उसका रुख कर लेते हैं सीधे ब्रेकिंग सेंटर का। वर्षा मौजूद है, वर्षा क्या जानकारी है? जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जौनपुर से, जहां पर मतदान करते समय वीडियो बनाया गया और साथ ही उसे सोशल मीडिया पर भी डाला गया। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मतदान कक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वोट डालते समय मतदाता ने वीडियो बनाया, सपा को वोट देने का ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला। डोबी विकासखंड के मतदान केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मतदान कक्ष के अंदर अपने मोबाइल से खुद वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डाला। और साथ ही आपको बता दें कि सपा को वोट देने का ये वीडियो बनाकर वायरल भी किया गया है। चलिए इस बीच राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेता हूं। राजन, मतदान कक्ष का वीडियो बनाकर के वायरल किया गया है, क्या जानकारी है?
से ये किराकत विधानसभा के डोभी विकास के पहली ग्राम पंचायत का वीडियो जो है ये बताया जा रहा है, और ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल के सामने जो है बटन ईवीएम पे दबाई जा रही है, और पीछे से आवाज भी आ रही है कि मोबाइल ले जाना मना है, लेकिन उसके बाद भी ये शख्स जो है वो वीडियो बनाता है। उसके बाद ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसने बाकायदे एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, सुबह 7:03 के जो है ये वीडियो डाला गया है। फिलहाल ये वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद अधिकारी जो इस पूरे वीडियो की जांच करा रहे हैं कि आखिर ये मोबाइल लेकर अंदर ये शख्स गया कैसे, वीडियो कैसे बनाया। जी शुक्रिया राजन बातचीत के लिए। तो चलिए चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। दिलीप जी, बात तब की अधूरी रह गई थी, कंटिन्यू करें। मैं यही कह रहा था कि जो मुस्लिमों में महिला वर्ग है, वो महिला वर्ग बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट कर रहा है। उसका कारण यही था कि भारतीय जनता पार्टी जो बेनिफिट है मुसलमानों का वो पूरा दे रही है, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं है। लेकिन ये लोग बयानों में उल्टा कह दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज थोड़ा सा इनसे नाराज हो रहा है। अगर ये अपनी करनी की तरह अपनी कथनी को भी कर तो इनके लिए मुसलमान वर्ग का फेवर भी मिल जाएगा। ये बहुत मिथ है लोगों के दिमाग में कि मुसलमान वर्ग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो एनालाइज कर पाता है चीजों को, जिनको लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, वो मुसलमान वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी पसंद करता है। तो मेरा कहना यह था कि समाजवादी पार्टी जिस गलतफहमी में बैठी थी कि मुसलमान पोलराइज होकर के पूरा हमको वोट करेगा, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन दिलीप जी, फिर इसके साथ मैं ये जोड़ूंगा, क्योंकि अगर कुछ नया जोड़ नहीं रहा, जो आपका पुराना जिस पर आप ये दावा करते हैं कि उस पर आपका ही अधिकार है, अगर उसमें से भी स्प्लिट हो रहा है, तो फिर इन दावों का आधार क्या है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, या समाजवादी पार्टी हो सकता है कि 350 का आंकड़ा दावा तो 400 का भी कर देते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है फिर, और फिर क्यों ये नब्ज पकड़ नहीं पा रहे हैं, या समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेंड दरअसल जा किधर रहा है। दावों का आधार दो होता है आयुजी, सबसे बड़ा आधार जो होता है वो रैलियों में आने वाली भीड़। तो राजनीतिक पार्टियां अपना आकलन करती हैं, वो करती हैं कि हमारी रैलियों में कितनी भीड़ आ रही है। और मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूँ कि राजनीतिक भीड़ जो है वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में बहुत ज्यादा आई थी, लेकिन अंतिम परिणाम क्या निकला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। बढ़त हुई वो अलग बात है, लेकिन सरकार नहीं बना, और उस भीड़ का नतीजा सरकार बनने के बाद वहां किस तरीके से कत्लेआम हुआ, मारकाट हुई, ये भी हम लोगों ने देखा। और उस पर ना तो केंद्र नेतृत्व कुछ कर पाया, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर पाई, ये भी हमने देखा। ये भीड़ की वजह से वहां आकलन लगाते हैं राजनीतिक पार्टी। और समाजवादी पार्टी का उत्साह का कारण एक ये भी है, जो मैंने भी आपको कहा था कि पंचायत चुनाव 6 महीने पहले चले जाइए, उस पंचायत चुनाव में भारतीय समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और वहां पर कुछ जो सरकारी तंत्र होता है उसका मिसयूज भी हुआ था, ऐसा न्यूज में सुनने को मिला, देखने को भी मिला। तो उस वजह से समाजवादी पार्टी का उत्साह बढ़ा हुआ है। दूसरा एक फैक्टर बहुत बड़ा होता है कि जो विपक्षी होते हैं वो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, इसीलिए हमने क्या किया था या हम क्या करेंगे इस पर बात ना करके सत्ता ने क्या गलत किया है उस पर ज्यादा हैमरिंग होती है कि इन्होंने ये गलत कर दिया, इन्होंने ये गलत कर दिया, इनके में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। हमेशा दूसरों की बुराइयां गिनाने का काम ये लोग करते हैं। उसका कारण ये रहता है कि एंटी इनकम्बेंसी ना भी हो तो भी वोटर्स के दिमाग में भर दिया। चलिए ठीक है दिलीप जी, आपको मैं रोकूंगा, आप दोनों हमारे साथ बने रहें, चर्चा को हम लोग और